सब आप समझते हैं कि असेंबली से पीटीआई का बाहर आना सियासी गलती थी। ये सवाल 3 महीने पुराने हो गए यार, कोई नया सवाल कर। कौन सी असेंबली, नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं? अब तो पुराना फैसला हो गया, उसके ऊपर 2 राय मौजूद थी, उस वक्त भी 2 राय मौजूद थी, मेरे ख्याल में अब भी 2 राय मौजूद। असल में सर इलेक्शन रिफॉर्म्स की कमेटी की बात हो रही थी, इसलाह की बात हो रही थी, और फिर वो जो सिस्टम था वो ओवरसीज को वोट हाथ देने का, क्या उसके बगैर इलेक्शन आपको काबिल कबूल होंगे सर? देखिए, ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया है पाकिस्तान के उन लोगों को जो अपने हलाल रिस्क कमाने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं। वहाँ जाके वो ना सिर्फ अपना अपने खानदान वालों की किफालत करते हैं, बल्कि एक इतनी बड़ी तादाद में बाहर से वो सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं कि अगर वो ना भेजें तो पाकिस्तान जो है वो चल ही नहीं सकता। इस वक्त चल रहा है उन लोगों के ऊपर, और जो लोग मैं भी एक वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानी होता था, जो मुल्क से बाहर होते हैं उस वक्त पाकिस्तान से हुब्बुल वतनी का जज्बा और ज़्यादा शदीद हुआ होता है। इसके ऊपर कानून भी बना हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की पुरानी वर्डिक्ट मौजूद है, आज से कोई 6-7 साल पहले की सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट मौजूद है कि उनको ये हक दिया जाए, और ये बहुत बड़ा जुल्म किया गया है इस हुकूमत ने उनसे जो ये हक छीना है वोट डालने का, ये बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन क्या इलेक्शन में उसके बावजूद जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। तो हाँ जी जी सर, मैंने आपको अपनी पोजिशन बता दी कि हमारे ख्याल में, हमारे वकला के मुताबिक ना इख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास तौहीन का, तौहीन अदालत का आइन के अंदर लिखा हुआ है। ये ज़रूर ठीक बात है कि इलेक्शन एक्ट के अंदर ये इख्तियार दिया गया, लेकिन बड़ा मुरवजा असूल है कानून का कि आइन के अंदर अगर कोई चीज़ है और उससे कोई कानून में कोई चीज़ मुतसादम होती है तो जो आइन में लिखा है वही हावी होता है। तो इख्तियार भी नहीं है, जो कहा गया जितनी भी तकरीरें की गईं वो तनकीद के ज़ुमरे में आता है, तौहीन के नहीं आता। तो हमारा जो पहले था मौक़िफ़ वो आज भी वही है।